हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आवर ग्रुप स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक है लेजर बीम वेल्डिंग। यहाँ पे वेल्डिंग प्रोसेस तो होगी, लेकिन हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो है लेजर बीम, यानी कि लेजर बीम के मदद से हम यहाँ पे अपना वेल्डिंग प्रोसेस करेंगे। पिछले वीडियो में मैं बताया था इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में, वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करके हम वहाँ पे वेल्डिंग कर रहे थे। आज यहाँ पे हम लेजर बीम का यूज़ करके हम यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे। जैसा कि आपको पता है, लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे लाइट के एमिशन से हम यहाँ पे अपनी बीम जनरेट करेंगे, और वो जो बीम निकलेगी उसको हम कंसंट्रेट करके अपने वर्कपीस पर हम स्ट्राइक करवाएंगे, यानी कि पेनिट्रेट करवाएंगे, और वर्कपीस में होगा फ्यूजन थर्मल एनर्जी कारण, वहाँ पे फ्यूजन होगा, फ्यूजन कारण हम अपनी वेल्डिंग सक्सेसफुली डन कर पाएंगे। ये मेरे पास कुछ फिगर है, इसकी थोड़ी वर्किंग हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो वाला पार्ट लगा हुआ है, यानी कि जो आप छोटा सा देख रहे हैं, ये है मेरा क्या, रूबी क्रिस्टल। ये रूबी क्रिस्टल के ऊपर माउंट है ज़ेनॉन ट्यूब। ज़ेनॉन ट्यूब हमारा बेसिकली आप समझ गए होंगे, एक ट्यूब है जो कि हम जिसमें सप्लाई देते हैं, और सप्लाई होता ही है कि वो एक फ्लैश मेंबर कह सकते हैं। तो जब मैं ज़ेनॉन ट्यूब पे अपना पावर सप्लाई दूंगा, यानी कि ज़ेनॉन ट्यूब जब मेरा ऑन होगा, तो इस ज़ेनॉन ट्यूब ऑन होने की वजह से रूबी क्रिस्टल में बहुत ही ज़्यादा लाइट का यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन होगा। जब लाइट वहाँ पे लाइट का एम्प्लीफिकेशन होगा, तो वहां एटम्स प्रेजेंट है इस रूबी क्रिस्टल पे, तो रूबी क्रिस्टल के में जो एटम प्रेजेंट है, वो एटम अब इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स भी स्प्लिट होंगे। तो यहां पे दो कंडीशंस है, जब यहां पे रूबी क्रिस्टल में जब एटम्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब यहां पे एटम्स जब इलेक्ट्रॉन्स के रूप में स्प्लिट होंगे, तो इसकी दो कंडीशन जो है वो ये है कि यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग एंड, यानी कि सिंपली है तो मिरर, तो ये मेरा फुल मिरर है, और नीचे साइड में यानी कि ये बॉटम पोर्शन पे ये वाले हिस्से में मेरा सेमी रिफ्लेक्टिंग एंड लिखा हुआ है, यानी कि मिरर ये भी है लेकिन ये सेमी रिफ्लेक्टिंग एंड है, और ये मेरा फुल रिफ्लेक्टिंग एंड है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन आधे जाएंगे हमारे फुल रिफ्लेक्टिंग मिरर की तरफ, और आधे मेरे नीचे की तरफ आएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन मूव तो हो रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्टिंग मिरर की तरफ ऊपर और नीचे मूव तो हो रहे हैं, आधे सेमी की तरफ जा रहे हैं और आधे फुल की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों के मूवमेंट से होगा ये कि इनका जो एक्साइट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एक्साइट होने के कारण, उसकी एनर्जी इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे रैंडमनेस आ रही है, यानी कि यहाँ पे वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो इनिशियल पॉइंट है, यानी कि जहां से वो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो नीचे आने की कोशिश करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए थे और जब वो नीचे आने की कोशिश करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन नीचे गए हुए थे अभी अपने ओरिजिनल पोजिशन पर आने की कोशिश करेंगे, तो होगा ये कि इनके बीच में जनरेट होगा फोटॉन्स। यही फोटॉन्स हमारा क्या कहलाता है, ये फोटॉन्स जो है यही लेजर बीम के फॉर्म में होता है। जब फोटॉन्स यहां पे आएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का यहां पे इधर उधर भागना, जब इन दो भागेंगे तो इन जब वापस अपने स्टेट पे आने की कोशिश करेंगे, जब अपने स्टेट पे आने की कोशिश करेंगे, तो वहां से जनरेट होगा फोटॉन। यही फोटॉन हमारा लेजर के तौर पर होता है, और इस लेजर का हम यहां पे फोकसिंग कॉइल के मदद से लेते हैं। जनरली जब यहां से जो फोटॉन्स जनरेट होती हैं वो मेरी पैरेलल फोटॉन्स होती हैं, इस पैरेलल फोटॉन्स को हमको एक कंसंट्रेट, यानी कि पॉइंट पर, एक टिप पर कंसंट्रेटली पेनिट्रेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने यूज किया फोकसिंग कॉइल का। ये फोकसिंग कॉइल बेसिकली क्या करता है, जो भी यहाँ पे फोटॉन्स थे, यानी कि जो भी बीम आई थी, उस बीम को वो कलेक्ट करता है, फोकस करता है, और फोकस करने के बाद वो आगे भेजता है हाई कंसंट्रेशन के साथ। तो यहाँ पे फोकसिंग लेंस के द्वारा मेरी सारी बीम आ गई, और ये बीम फिर मेरा पेनिट्रेट होगा मेरे वर्कपीस वाले हिस्से पर, यानी कि वर्कपीस पर अब होगा फ्यूजन। अब यहाँ पे बात आती है कि ये लाइट एनर्जी से अब ये कन्वर्ट हो जाता है थर्मल एनर्जी में। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा लाइट एनर्जी था, और जब यहां पे वेल्डिंग होने लगी तो ये मेरा थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसका कारण ये है कि यहां पे थर्मल एनर्जी जब पॉइंट होगा, तो इसके जो फ्यूजन होंगी यहां पे, जो इसको टेम्परेचर जब ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहां पे फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के कारण हमारा वेल्डिंग काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि हमारी वर्क पीस वेल्डिंग होने लगेगी। तो बेसिकली इसका तीन सीरीज है। तीन सीरीज कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं, पहले ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, यानी कि ज़ेनॉन ट्यूब पर जैसे मैंने यहां पे सप्लाई दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, ये फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, लाइट एनर्जी के बाद फिर ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ये इस तरीके से हमारा लेजर बीम वेल्डिंग काम करता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि लेजर बीम वेल्डिंग का क्या वर्किंग प्रोसेस है, किस तरीके से यह काम करता है। अगर आपके मन में कोई डाउट है और आपको किसी प्रकार का कोई और वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, बाय बाय।